साथियों ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि अज आप एक बड़े खास मकसद नाल इत्थे इकट्ठे होए हैं, जिम्मेवारी संभालनी है सिद्धू साहब ने। पर उस तो पहला मैं कुछ दिल दियां गल्लां थोड़े नाल सांझियां करना चाहता, ज्यादा समय मैं नहीं लेना। सीएम साहब आई नो सारे लोग अज थोनू सिद्धू साहब नू सुन नू इत्थे आए हैं, पर एक गल जिहड़ी मैं घर बीती नहीं गिलजिया साहब मैं सामने पर बीती की गल करदा भी परले खेमे च की गुजर रही है उहदी गल करूंगा। साहब शायर ने कहा है कहिंदे चर्चा खबर थी गर्म, खबर थी गर्म कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे। भी अज गालिब के चिठड़े उड़ने, खबर थी गर्म कि आज उड़ेंगे गालिब के पुर्जे। हम भी पहुंचे थे पर तमाशा ना हुआ। आज बहुत सारे विरोधी पार्टियां साडे जेड़े पार्टी के अंदर बैठे छुरा मारन वाले है पड़े, अज बांछा खिलिया सी भी अज उत्थे जाके देखांगे पटाके पैणगे, पटाके पैणगे। कई साथियों ने कोई कह दूगा देखो मैं मनप्रीत जी वर्गा काबिल तो नहीं, ज्यादा उर्दू या फारसी मैनू नहीं आती, मैं पंजाबी च तर्जमा कर देना क्योंकि पंजाबी जिहड़ी जबान है बाकी साहब उहदे वर्गी एक्सप्रेशन हो नहीं सकता कि जिवें पंजाबी जबान च कहा जाता है। एक किसी का आपसी दोस्ती सीगी, याराना सीगा, प्यार सीगा, परवान नहीं चढ़िया। पिंकी जी रिश्ता करता परिवार ने, पर जेड़े दुलदे दुखड़े सीगे ओ सरीके वाले टिचरां करन वाले। उदो एक पंजाबी गाना है, दो लाइना मैं थोनू शेयर करूंगा। कहिंदा जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, जंज चढ़ी है गवांडिया तेरी वे, ते लोकी मैनू वेंदे आण के ओनू देखण नहीं जांदे। सुखी साहब हसण वाली गल नहीं, इत्थे देखदे सी वी सुनील ते की गुजरदी है, अच देखते हो भी कैप्टन साहब किवें करते हैं। मैं आभारी हाँ कैप्टन साहब तुहाडा, आई एम ग्रेटफुल टू यू। सर एक मिनट यार हुण गल कह रहे, बाद च नारे ला लो, नारे अजे समा बहुत पे, नारे ला लो। पर कैप्टन साहब एक मिनट यार, सर मैं हंसपाल जी बुजुर्ग हो तुसी, मैं कह रहे शख्स हाँ, आई ऑलवेज कैरी माई हार्ट ऑन माई स्लीव, बाहर रखता साहब, मैं कोई हांडी दे विच कूड़ नहीं फोड़ता। यारी है तो खुल के निभाने हैं, ते कोशिश करते हैं भी दुश्मनी भी पूरी पकाई है, सिरे ते ला के चढ़ते हैं साहब, सिरे ते कोई ऐसे लुक छिप साडे कोल है नहीं। 20 साल कैप्टन साहब के नाल किसी गलों ही निभाई होनी है, नहीं निभती। परिवार च रौला पै जांदा साहब, परिवार खिलर जांदा, भरावां च रौला पै जांदा। क्यों? कोई किरदार तो होना, यूं ही तो नहीं कोई बुतों का कायल होता, कुछ तो हुनर होगा, कोई तो गल होनी है। रहीम ने आख्या, रहीम ने आख्या कहना चिमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरी को घटी गयो जो भृगु मारी लात। भगवान कृष्ण का कोई फर्क नहीं पाया, भृगु महाराज ने नाराज होकर को गल कह दी। रहीम कहने कृष्ण भगवान तो सब कुछ समेट के चलते हैं। योर मैग्नेनिमिटी सीएम साहब हैज एंडियर्ड यू टू पीपल ऑफ पंजाब, तुसी एक पंजाबी वाली गल की है, आ एक शोभा दिंदा है क्योंकि जिड्डी वड्डी जिम्मेवारी थोड़े ते पै जांदी है, जिड्डी वड्डी तुसी हैसियत से पहुंच जाने हो, उसे किस्म की जिम्मेवारी भी निभानी पैंदी है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। पंजाबियों वास्ते कांग्रेस पार्टी वास्ते तो है ही है, पर बहुत वड्डी अज जिम्मेवारी मैं बधाई देना चाहूंगा सिद्धू साहब, अज फॉर्मली बधाई देना चाहना। मैं दो दिन भी तुसी आए, मैं पूछा मैं गुलदस्ता वगैरह मंगाइए, मेरे को कोई फर्जी कम है नहीं, मैं ना गुलदस्ता लेके आया ना मैं उस तरह की कोई गल करता। मैं तो इन्ना कहूंगा सब मौके रोज रोज नहीं मिलते, बंदा परख्या बहुत घट जाता है।
रोज रोज भी परखण लग जाओ ना भरे तो फेल हो जाऊगा। तुम आइंस्टाइन बिठा लो रोज इम्तिहान लो तीजे दिन फेल भी हो जाऊगा। बंदा एक बार सुरखरू होकर निकलता थोड़े दिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी सोनिया जी ने पाई है सब बहुत बड़ी जिम्मेवारी। एट ए टाइम जदों असी इलेक्शन के मैदान च उतरन आ नितरना पऊगा उत्थे इलेक्शन दरपेश खड़ा है ते अज इस मौके से जिम्मेवारी दिती है बड़ा सोच समझ के दिती है। लोग सुनील च देखते सीगे अज नहीं उस दिन भी देखते सी कोई कहता किसी अखबार ने लिखा सुनील की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी थी हुण देख लो साहब मुस्कुराहट ठीक लगती है कि नहीं लगती। जे सुनील नू चार साल दो महीनों बाद जे फीकी मुस्कुराहट है साहब सुनील तो फिर कहते ना एदा ढिड नहीं रचता किसी का नहीं रचता साहब। मैं मेरे को शब्द है नहीं धन्यवाद करना साडी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी का राहुल गांधी जी का जिन्होंने मैनू आ मौका दिता इस एडी वड्डी फौज की सेवा करने इन्हां दे नाल काम करन दा मोढ़े दे मोढ़ा नाल ला के काम करन दा दिता। सो मैनू इस गल का मान है इस प्रिविलेज इस दिन प्रिविलेज स्वामी सिंगुलर ऑनर एक बारी नहीं सब दो बारी पुछो दो बारी किवें अस्तीफा दे के आया सी मैं साहब 2019 दे अंदर लोगों का फतवा सीगा मेरी जिम्मेवारी बनती सी भी मैडम किसी नूं तुसीं जिम्मेवारी सौंपना चाहते हो उन्होंने कहा नहीं सुनील जाके संभालो ते अज खेड़े मत्थे मैं कहना कैप्टन साहब तो वध हिस्टरी कोई नहीं जानता ते खास तौर पर वॉर हिस्टरी कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर सैकेंड चालू हो गई सी चैंबरलैन ने डिकलेयर करती सी वॉर अगेंस्ट जर्मनी उदों प्राइम मिनिस्टर चेंज किया गया चर्चिल नूं लिया गया सर चर्चिल पहला लैके आए सी 2017 च उहदा नतीजा देखो जिहड़ियां फौजां सीगियां दुश्मन दियां कित्थे जिहड़े 25 साल राज करन वाले सी अज 25 गिणती भी नहीं पहुंच सकी सर। अज जदों फिर असीं लड़ाई दे मुकाम ते उतरे हां ते जिवें हुणे डैनी जी कह रहे सी हुण तां जरनैल ही दो करते हुण तां नाल इक कमांडर इन चीफ ते इक कमांडर दोनों जो मैदान च उतरनगे साहब आई हैव नो डाउट एट ऑल। जे किसी नूं भरम भुलेखा है कढ दिओ दिमाग च इत्थे कोई हताशा नजर नहीं आ रही किसी नूं किसी दे कोई नमोशी है नहीं हौसले च आए है सारे। सानू पता है कि पिछले 2-3 महीनों तो आ जिहड़ा एक बवंडर जिहा खड़ा होया है लोगों के तरह तरह दियां गल्लां चलण लगियां पर आई कैन ऑलसो टैल यू साहब अज मौका जदों कट्ठे होके निकलांगे आपां समाना बहुत है साडे कोल फौज जदों लड़ाई च उतरदी है बिना हथियार फौज नूं किवें भेज दोगे साहब जे राइफल है नहीं जे तुहाडे कोल एमुनिशन है नहीं जे अज चीन नाल साडे नौजवान उत्थे मोर्चे ते खड़े है ते उन्हां को जे असला है नहीं फिर किवें लड़ाई लड़ांगे। असला बहुत दिता है साहब यू हैव प्रोवाइडेड एनफ एमुनिशन सीएम साहब रफाल भी है साडे कोल किहड़ा काम जिहड़ा असीं नहीं कीता कई गल्लां मैं करनियां चाहना साहब अलोंग विद दिस। जदों 71 की लड़ाई हुई 65 की लड़ाई हुई असीं बार्डर ते बैठे हैं इधर गुरदासपुर भी बार्डर है उधर अबोर फाजिलका भी बॉर्डर से बैठे हैं उदों बड़ी चर्चा सी भी आ बनणगे जी थोड़ा दा पिंड टप लैणगे जी उन्हां कोल पैटन टैंक है जी उन्हां कोल सैबर जेट है गे अपने कोल तां नैट सीगा को पुराने हंटर लई फिरदे सीगे फर्क की सीगा फर्क सीगा जज्बे दा सर हौसले दा। फौजां हौसले नाल लड़दियां है थ्री नाल ठोकते सी असीं तां चीनी जिहड़े उन्हां कोल ऑटोमैटिक वैपन सी असीं थ्री नाल ठोकते साडे कोल नैट सीगा असीं सैबर सिखते क्योंकि हौसला सीगा। अज साहब एमुनेशन तां तुसीं देता पर हौसला चाहिए वर्कर नूं साहब आई एम सॉरी टू से कैप्टन साहब तुसीं यू हैव बीन ओवर इंडल्जेंट टूवर्ड मी तुसीं किसे काम वास्ते मना नहीं कीती सुनील नूं जदों मैं गया थोड़े मुंह मैं नन्ना नहीं सुनिया बट समवेयर अलोंग द लाइन जिहड़ा तुसीं किया ਉਹਦੇ ਚਲਦੇ
ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਲੀਵਿੰਗ ਯੂ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਅਜੈਂਡਾ ਸਰ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਜਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਨੀ ਆ ਜਾਓ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਸਰ। ਦੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਪੋਨੈਂਟ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇ ਆਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪੋਨੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਾਪਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਮਾਰ ਗਈ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਨਿਬੜ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਬੜ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਮਾਰ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਮਾਰ ਗਈ, ਆ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਜਾਵੜੀ, ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਡੂੜੇ ਵੇੜਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਮਬੈਸਡ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਨ ਯੋਰ ਆਈਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਟਪਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਚ ਅੜਚਣਾ ਪਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਰੇਅਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਅਕਿਨ ਟੂ ਅ ਡੈਮੀ ਗੋਡ, ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਰਮਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਧਮਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਫਕੋਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਅਜੈਂਡਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਅ ਵਰਕ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਤੜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਤਰਿਆ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਆ ਧਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ,